नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। बजट को लेकर हिमाचल में सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो केंद्र सरकार पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने ये कहा है कि ये बजट जो है हिमाचल के लिए वरदान साबित होगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा है कि इस बजट में जो है हिमाचल के लिए कुछ भी नहीं केंद्र सरकार ने दिया है। आपको बता दें बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की थी कि हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए मदद की जाएगी, लेकिन उसमें उत्तराखंड और असम का नाम भी सामने आया था। इसको लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार से 9000 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी। मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात करके आया था, लेकिन हमें 9000 करोड़ की मदद नहीं मिली। अब इस बजट में दो और स्टेट्स का जिक्र है, क्योंकि 11500 करोड़ कुल जो है वो मदद दी जाएगी, लेकिन इसमें तीन स्टेट हैं। हिमाचल के सीएम ने कहा है कि हमारे हिस्से में कितना पैसा आएगा ये जो है ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें 9000 करोड़ रुपए चाहिए थे, वो हमें नहीं मिले हैं और ना ही इस बजट में मिलते दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को, गरीबों को, किसानों को निराश करने वाला बजट है। बागवानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम नहीं की गई है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रेलवे के लिए हिमाचल को कुछ नहीं मिला, क्योंकि भानुपल्ली लद्दाख रेल लाइन का जो है वो काम चल रहा है। और उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि इस ट्रैक के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का मानना ये है कि अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो हिमाचल में जो है आर्थिक मजबूती होगी, और कनेक्टिविटी के मामले में इस बजट में हिमाचल के लिए कुछ नहीं मिला, ये सीएम ने आरोप लगाए हैं। और इसके बाद आपको ये बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भी कहा है कि जो किसान हैं और गरीब लोग हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए इस बजट में बहुत कुछ दिखा नहीं, लेकिन अमीर लोगों के लिए ये बजट है, अमीरों का बजट है। उन्होंने ये कहा है कि इस बजट से हमें निराशा मिली है, लेकिन जयराम ठाकुर जो हैं उन्होंने कहा है कि हिमाचल के लिए ये बजट वरदान साबित हो सकता है। आपदा से जो है हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अब ये राशि हिमाचल के हिस्से में आएगी, उसके बाद हिमाचल में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का जो है काम होगा, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, किसान हैं और गरीब लोग हैं, उनके लिए जो इस बजट में प्रावधान किए हैं उससे हिमाचल के युवाओं को और किसानों को सबको फ़ायदा मिलेगा और हिमाचल आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। लेकिन सियासत जो है वो शुरू हो गई है। बजट में एक पक्ष कह रहा है कि हिमाचल के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये वरदान साबित होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।